आज एनिवर्सरी के मौके पे पतिदेव लेके आए हैं म्यूजियम ऑफ म्यूजियम। लेकिन पहले खा लेते हैं, पहले खा लेते हैं, भूख लगी बहुत तगड़ी वाली, जल्दी फटाफट से निकल आए हैं। हम लोग जा रहे हैं बर्गर सिंह, पहले बर्गर सिंह चल रहे हैं, बर्गर खाते हैं उसके बाद घूमेंगे फिर बाद में देखेंगे। इन आ जाओ, इन इधर आ जाओ मंकी के पास गया। चलो नीचे बैठो। पहले क्या खाए? ये मोमोज है। पहले मोमोज खा ले, है ना? ज्यादा हाँ, ज्यादा गर्म ही होंगे अभी तो। क्या ये ठंडे करके खा ले, पेट तो भरेगा। तो भाई ये देखो बर्गर सिंह का बर्गर, अच्छा है। फर्स्ट बाइट में तो ठीक लगा, अंदर क्या टिक्की है और वेज ही ज्यादा नहीं, गोभी है, प्याज गोभी और इनका स्पेशल कोई सॉस होता है। अच्छा प्राइस पे डिजाइन वाले हैं, प्राइस अच्छी, प्राइस अच्छी, जिन्हें दिखा दो प्राइस अच्छी। तो साफ कर दो। थोड़ा सा जो है पेट का वजन पड़ गया, हम निकलते फटाफट से म्यूजियम चलते हैं। जीनू देखो, जीनू लगी पड़ी अभी पर। अब बेटर है। जीनू मेरे को नहीं खिलाया आपने, खिला दो। तो क्या जैसे ये थ्री से नीचे, हाँ तो इनके कोई चार्जेस नहीं है सर, 650 एडवेंट के पर हेड। टिकट अंदर से मिलेगी सर, एक बच्चे का जी नो मास्क लगा। हाँ ऊपर चलो, ऊपर चलो। अभी हमें वेट करने को बोला है, ये है मेन्यू है, अगर यहाँ पे वेट करके कुछ खाना है तो खा भी सकते हैं। दो सेक्शंस बता दिए थे मैंने, ठीक है। डिस्क्रिप्शन है एवरी एग्जिट के लिए, एग्जांपल पिक्चर्स है। यहाँ से हमें पिक्चर क्लिक करनी है, पॉइंटिंग हुई है, यहाँ से क्लिक करेंगे, उतार सकते हो। अब यूज आएगा DSLR, कैमरा मैन आ चुके हैं, और मास्क उतारना तभी अलाउ है जब आप फोटो ले रहे हो। फोटो लेने के बाद आपको तुरंत मास्क जो लगा लेना है। लाइटर ऐसे होते हैं ना जो हाफ स्प्लिट अगर होते हैं तो सेम मिरर इफेक्ट देते हैं। जैसे जैसे बी जो होता है वो भी हाफ हाफ स्प्लिट होके बी बना सकता है, वो भी सिमेट्रिकल होता है, एक्स भी सिमेट्रिकल होता है। पूरा बॉक्स एन एक्सीड वाला लिखा हुआ है और ऐसे इस तरीके से। ओ भाई ऐसा लग रहा है अंदर घुस रहे हैं, छोड़ दो तुम्हें। डरना मत।
अब डाउन देखो, नीचे देखो, नीचे करो तो नीचे देखो, थोड़े से स्क्रैचेस आ गए बट और क्लीन अप हो तो, जैसे जितना क्लीन ऊपर है ना। हाँ। जीनू डर तो नहीं लग रहा? उसको डर, मुझे पकड़ लो। सही में चक्कर आ रहे भयंकर चक्कर आ रहे हैं, तो कैमरा में टूट जाता है। जाओ जाओ वापस आ जाना फिर जल्दी। आ रहे ना चक्कर वैसे यार बहुत भयंकर चक्कर आने आने हैं। कोई बंदा हो तो चक्कर आएंगे। जीनू तो रो गई, जीनू तो रो गई डर के मारे। जीनू जबकि अंदर नहीं गई बाहर भी देखी होगी। हाँ। तो नहीं जाएगा जीनू। क्या हुआ, डर लग रहा था आपको, चक्कर आ गए? कैसे घुमी घुमी हो गई? चलो चक्कर आ गए ना, इनविजिबल चेयर है। इधर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो चेयर है, बट आपके उसके फीट से निकल के जाओगे वो है अलग अलग पार्ट। अच्छे अलग पार्ट बना के, चेयर के पार्ट बना रखे हैं, वैसा दिखता है। ये लो देखो, ये बड़ी लाइन है, ये छोटी लाइन है ना, लेकिन अगर हम इससे मेजर करेंगे ना, ये देखो ये इसके एग्जैक्टली बराबर है, और जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये भी बराबर। ये जो भी है ये थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ है ना, ये थोड़ा लगेगा कि नैरो टाइप का है, बट ऐसा है नहीं। ये देखो भी ऐसे है। अब इसमें ये वाली लाइन तुम्हें लगेगी कि बहुत बड़ी है कंपैरिजन, इसकी ही छोटी है, बट ये इक्वल है, ये भी इक्वल है। दूर पास का फर्क, दूर पास का फर्क। जा रहे हैं सेकंड सेक्शन में। अच्छा ये 3D फेस है, लग रहा है मूव हो रहा है। हाँ फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल, ऐसा फील है, पूरा मूवमेंट का फील हो रहा है, कैसा लग रहा है। बट अगर आप इसको पास से देखोगे तो ये स्टिल है, ये और छोटा होता जाएगा, ये बिल्कुल टाइनी हो गया, और ये बड़ा हो गया दोबारा से, ये देखो। अच्छा इसमें आधा मैं आ रहा हूँ आधा तुम आ रही है। ये कौन है वो जीनू, कितना बड़ा हो गया जीनू देखो। ये वो पता है चारों तरफ रिफ्लेक्ट करके वो बना हुआ है। हाँ ऊपर, हाँ बट एक्चुअल में ना एक ही डिस्प्ले है इसके अंदर, क्योंकि हमारे जस्ट ये सामने वाली है, ये रिफ्लेक्शन अलग है, वो अलग है, वो अलग है। ओह हो इधर भी जीनू है, ये ऊपर लगा है मिरर, और ऐसा लग रहा है कि ऐसे लटके हुए हैं, ये बना रखी है बिल्डिंग टाइप, तो ऐसा लग रहा है सब लटके हुए बिल्डिंग। मुझे ये लग रहा है मूव नहीं हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है कुछ बेसिकली ना, ये चीज रोटेट हो रही है। हाँ दीनू आ गया, हट
से पापा। ये है एंट्रेंस, यहाँ से जाके फिर हमें फोटो करानी है। ये जाओ उधर जाओ। जीनू यार हो गया, अभी जीनू का भी करवाएंगे। अच्छा जाओ मम्मा पास जाओ। क्या बना रहे हो बेटा? अच्छा पता ही नहीं चल रहा कहाँ जाना है कहाँ आना है। वाह देखो यहाँ भी जीनू है, यहाँ भी जीनू है। ये स्क्वायर टाइप का लग रहा है, वो ओवल अच्छा, ओवल लग रहा है। हाँ तो ओवल लग रहा है। अब ये ओवल हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है पूरा है, अंदर तक जा रहा है पर है नहीं। स्ट्रेट मुंह भी लग रहा है और साइड पे भी लग रहा है। चलो अंदर से भी देख लें। लास्ट चलो से सेंटर में देखना है, वो ऐसा लगेगा तुम्हें कि वो एक्चुअल एक डोर है बट वो बाहर में चला गया। और जीनू थक गई है ना, थक गया अब जीनू खाना खाएगा। यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं कलर के नाम, बट जो कलर का नाम है उसके अपोजिट कलर उसमें भरा हुआ है। जैसे जैसे ये ब्लू है तो लिखा तो ब्लू है बट वो एक्चुअल कलर जो उसको दे रखा है वो रेड कलर है। तो इसमें माइंड क्या होता है, थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूज हो जाता है कि इंग्लिश पढ़ते तो हम रहते हैं रेगुलरली बट कई बार वो वर्ड बोल जाते हैं जो हमें दिख रहा होता है विजुअली। तो अभी मैं ज्योति पे ट्राई करता हूँ, आप लोग देख ज्योति, आप ज्योति ट्राई करेंगी। स्टार्टिंग से तुम्हें पढ़ना है बिना मतलब बोली है, कंटिन्यू पढ़ना है। कंटिन्यू पढ़ते चले जाओ यहाँ तक, ठीक है? देखते हैं कितना ठीक पढ़ती हो। पढ़ो स्टार्ट। येलो, ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक, रेड, ग्रीन, पर्पल, येलो, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, रेड, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज। सिंपल। ये लगता है ज्योति ने पहले ही कर लिया। फर्स्ट टाइम क्या है येलो, ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक, रेड, ग्रीन, थोड़ा सा और। थैंक यू बोलो भैया को। थैंक यू भैया। थैंक यू। तो भाई हम लोग आ चुके हैं म्यूजियम पे और एक्सपीरियंस जो है बहुत बढ़िया रहा। मज़ा आ गया, फिर थोड़ा सा घूम गया मेरा उस वाले में जाके, बट अब थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे लंच करेंगे और फिर उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। चलते केक पता कर लेते हैं ना। हाँ केक देखते हैं कुछ और फिर निकलते हैं। केक लेते केक यहीं से ले लेंगे। हाँ वेंडर से। वेंडर से हाँ चलो हम लोग केक। खराब नहीं हुई तो। खराब तो नहीं होगी, खैर मौसम सही है अभी। तो एगलेस केक जो है वो नहीं मिल रही है, वो ऑर्डर करने पे ही बनती हैं।
फिलहाल जो है वो एग वाली केक है पानी फूड ऑर्डर कैंसिल हम वहीं से ले लेंगे। हाँ ऑर्डर देने पड़ती है। हाँ ऑर्डर देने पड़ते हैं। बच्चों के साथ में ना दिमाग खराब हो जाता है। जीनू बहुत दिमाग खराब करती है। जीनू बहुत शैतान बच्ची है। देखो कहाँ कहाँ भाग रही है। देखो कहाँ भाग रही है। शैतानी है क्या बोलूँ इसकी। नहीं बेटा काफी अच्छा बना रखा है। रहमियत बहुत अच्छा है। बाकी खाना तो अभी खा के देखेंगे कैसे है। वैसे अच्छा लग रहा है। मतलब फैमिली के लायक है ना। फैमिली डिनर वगैरह करने हैं तो अच्छा है। बेसिकली साउथ का ही है ये। जैसे जैसे जगरनाथ था ना उससे कुछ इंस्पायर्ड मतलब ऐसा कुछ लगता है। देखो क्या कर अब वो यहाँ बैठे हैं। शैतान चली गई वहाँ आगे कर लच अब वो बच बैठे हैं। ये रही आपकी मेरी कटोरी। लेकिन इसे अभी खटखट मत करना। सब लोग डिस्टर्ब होते हैं ठीक है। जीनू मैडम सो चुकी है। मेरी बैंड बजेगी। बैंड बजेगी तुम जीनू उठ जाओ।